हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं नोकिया के स्मार्टफोन पसंद करें, जिनको नोकिया के स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर इस वीडियो में 20,000 के अंदर जो स्मार्टफोन आते हैं 7,000 तक के सभी बताने वाला हूँ। पहला स्मार्टफोन है नोकिया 5.1 प्लस। इस स्मार्टफोन में 3 GB और 32 GB स्टोरेज मिलती है, जिसके प्राइस 7,000 रुपीज़ है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 5.8 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 30+5 MP का डुअल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलता है और 8 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पर 3016 mAh की बैटरी कैपेसिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पर मीडियाटेक का Helio P60 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये नोकिया 6.1 प्लस है। इस स्मार्टफोन में आपको 4 GB की रैम और 64 GB का वेरिएंट 9,499 रुपीज़ में मिलता है। और यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ, यहाँ पर 5.8 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बैक साइड में डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। इधर बैक साइड में 16+5 MP का डुअल रियर कैमरा है और 16 MP का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पर सेमी बैटरी देखने को मिलती है, 3060 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर आप स्मार्टफोन में गेमिंग करना चाहते हो तो आप मीडियम स्टडी मोड स्मार्टफोन में गेमिंग कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप अगले स्मार्टफोन की बात करें तो नोकिया 8.1 है। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर बड़ी नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर मैं रैम वेरियंट की बात करें, यहाँ पर 4 GB की रैम और 64 GB का वेरियंट 14,999 यानी 15,000 रुपीज़ है। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, 6.18 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले नोकिया 8.1 में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बैक साइड में डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर 12+13 MP का डुअल रियर कैमरा और यहाँ पर 20 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 3500 mAh की बैटरी कैपेसिटी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर आप भी गेमिंग के पर्पज से स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, स्मार्टफोन को ले सकते हैं। नोकिया कोई भी आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्टफोन को ले सकते हैं। 15,000 के अंदर यहाँ पर कोई भी गेम हाई ग्राफिक्स में आप इस स्मार्टफोन में खेल पाओगे। तो यहाँ पर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ, 20,000 के अंदर आता है और 50,000 के ऊपर आता है। यह नोकिया का 7.2 स्मार्टफोन है। अगर मैं यहाँ पर रैम वेरियंट की बात करूँ, यहाँ पर 6 GB रैम और 64 GB का रैम वेरियंट यहाँ पर 18,099 रुपीज़ में मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, 6.3 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्ले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, बैक साइड में 48+5 MP का डुअल रियर ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलता है, 32 MP सेल्फी कैमरा भी देखने को मिला है। अगर यहाँ पर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पर 3500 mAh की बैटरी कैपेसिटी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6 GB का प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग पर्पज से स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हो, स्मार्टफोन का बिल्कुल भी मत करिए। स्मार्टफोन में कोई भी गेम हाई ग्राफिक्स में नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उस टाइप का वीडियो लेकर आऊँगा। अब मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो आप कैसे लगा। अगर आपको नोकिया के फ़ोन अच्छे लगते हैं तो जो मैंने 4 स्मार्टफोन बताए इनको आप ख़रीद सकते हो। ये इस प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।